जयपुर में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की तादाद बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 15-15 दिन के लिए पर्यटन स्थलों पर कठपुतली का खेल दिखाने का जिम्मा भाट समुदाय के कलाकारों पर है, लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ इनकी आर्थिक स्थिति नहीं बदल पाई। कठपुतली के खेल का संबंध पारंपरिक रूप से भाट समुदाय से है। भाट समुदाय एक समय खेतीबाड़ी का काम करता था और खानाबदोश की तरह रहता था, इसलिए ये लोग पर्यटन स्थलों पर संगीत की धुन पर कठपुतली का नाच दिखा रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई वेतन नहीं दिया जा रहा। ये लोग सिर्फ पर्यटकों के द्वारा दिए गए दक्षिणा पर ही निर्भर हैं, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। सरकार को चाहिए कि कठपुतली दिखाने वाले लोगों को वेतन देकर आर्थिक स्थिति में सुधार करे। अल्बर्ट हॉल के अंदर पर्यटकों को रिझाने के लिए यहाँ पर कठपुतली का जो शो है ये भी कराया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो पर्यटक है वो इसका आनंद ले सके। यहाँ के जो लोक कलाकार है उनका ये कहना है कि राजा महाराजाओं के समय से यह प्रथा चली आ रही है, कठपुतली से लोगों को रिझाने के लिए यहाँ पर तरह तरह की कठपुतली यहाँ पर रखी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर है, इनसे हम कलाकार से बात करते हैं कि कितने दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं और कैसा इनको लग रहा है। हाँ सर, सर मेरा नाम ओमकार भट्ट है, जिला नागौर के हैं हम। ये पुरानी कला राजा महाराजों की टाइम से दिखाते हैं, हमारे साथ पीढ़ी से ये करते आ रहे हैं और इस कला को हम जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे को सपोर्ट मिले तो और भी आगे बढ़ेगा हमारा कठपुतली का। यहाँ जो अल्बर्ट हॉल है, यहाँ पर कितने दिनों से आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं और सात पीढ़ियों से करते आ रहे हैं ये काम कठपुतली का, स्कूलों में भी दिखाते हैं, बाहर देश विदेश भी जाते रहते हैं। तो हमारे राजा महाराजों की ये महाराणा प्रताप है, अमर सिंह राठौड़ है, नागौर के राजा है अगस्त सिंह महाराजा है, इनको ये हम स्टोरी बताते हैं। लेकिन ये कला क्या समाप्त होती जाती है, तो लोग बाग इंटरेस्ट बाहर दोबारा से दिखाया जा रहा है, तो इसको दोबारा लाइक कर रहे हैं सब, पूरे वर्ल्ड में लाइक करते हैं इसको, देश जर्मन है, फ्रांस है, इंडिया है, सब जगह इसको लाइक करते हैं कठपुतली का। यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो क्या इसका आनंद ले पाते हैं, कितनी तादाद में ले पाते हैं? ये खूब मजे लेते हैं, मजे से देख के जाते हैं आराम से। ये जो पर्यटक आते हैं तो ये राजा महाराजों की चीज़ें पुरानी कला देखने आते हैं, तो हमारे को भी गुजारा हो जाता है, लेकिन हमारे को सैलरी तो मिलती नहीं है। हमारे को जो पब्लिक आ जाती है वो दे जाती है, जो दे जाते हैं 10 दे जाते, 20 दे जाते, 50 दे, जो खुशी से दे जाते हैं वही लेते हैं। नहीं कुछ नहीं मिल रहा सर हमारे को, तो पब्लिक आ जाती है को 10 दे जाते, को 20 दे जाते और देख के चले जाते हैं, तो हमारे को सैलरी तो मिलती नहीं है। ये कलाकार हैं जो इनकी पीड़ा ये अपने आप दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से ये पुरानी जो परंपरा है इसको बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार या पर्यटन विभाग के द्वारा किसी तरह की कोई इनको लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे इनकी जो आर्थिक है मदद हो सके। पर्यटकों की मदद पे ही ये अपने आप पर निर्भर है। अब ये देखना होगा कि यहाँ के पर्यटन विभाग और सरकार इस कलाकृति को जिंदा रखने के लिए किस तरह की आर्थिक मदद कर पाती है। जमाल खान के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच बेधड़क।